हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट परीक्षा से जुड़ी आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि रीट से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये न्यूज़ आप देख सकते हो, स्कूली शिक्षा सत्र 2020-21 कक्षा क्रमोन्नति एवं परीक्षा आकलन संबंधी निर्देश जारी। इस बार जनवरी में मिलेंगे मॉडल पेपर और गृह कार्य के आधार पर होगा आंतरिक मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, प्रायोगिक परीक्षाएं मुख्य परीक्षा के बाद में। तो यहाँ पे सीधे ही डायरेक्ट जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आपकी 15 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो निश्चित रूप से आपका 15 मई से पहले रीट का एग्जाम होगा, क्योंकि 15 मई के बाद यहाँ पे समय नहीं मिलेगा बोर्ड को, और अप्रैल के अंदर आपके पूरे चांसेस है कि आपका अप्रैल के अंदर रीट का एग्जाम हो। तो अप्रैल के अंदर आपका रीट का एग्जाम हो सकता है। और अभी से यहाँ पे आप देख सकते हो डेट, यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इस बार बोर्ड परीक्षाएं 15 मई के बाद होंगी और प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के बाद में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे सही समय जो है रीट परीक्षा कराने का वो अप्रैल हो सकता है, और अप्रैल में अगर रीट नहीं होती है तो जून में ही रीट होगी फिर। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि अप्रैल तक आपकी रीट हो जाए और बेरोजगारों को यहाँ पे अच्छी खबर मिले और जल्द ही जो रीट की नियुक्तियाँ हैं वो कर दी जाए। तो इस बार चांसेस यही है कि अप्रैल के अंदर आपकी रीट की एग्जाम हो सकती है। धन्यवाद। और रीट से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।